मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में हम रिमझिम किताब का पार्ट 3 चोर पकड़ा गया पढ़ेंगे। चोर पकड़ा गया। टिंटिन चींटी के तीनों बच्चों ने जब से गुड़िया की रसोई में सूजी के लड्डुओं का स्वाद चखा था, वे माँ के पीछे ही पड़ गए थे। माँ माँ, हम भी वैसे लड्डू खाएंगे, आप बनाओ ना। मगर बेटा, लड्डू बनाने के लिए बहुत सा सामान लाना पड़ेगा। टिंटिन ने बच्चों को समझाते हुए कहा था, तो ठीक है, आप सूची बना दो, मैं अभी जाकर सारा सामान लेकर आता हूँ। बड़े बच्चे ने कहा। टिंटिन ने सामान की सूची बनाई। सूजी, घी, शक्कर, सूखे मेवे। बच्चे भागकर चिंटे चाचा जी की दुकान से सारा सामान ले आए। टिंटिन ने लड्डू बनाए, सूजी भुनी, शक्कर की चाशनी बनाई और गोल गोल लड्डू बनाकर थाली में रख दिए। एक एक लड्डू तीनों बच्चों को खाने के लिए दिया और बाकी लड्डू कल के लिए बचाकर रख दिए। हुई और मोटा कालू चिंटा लड्डुओं की खुशबू सूंघते सूंघते टिंटिन की रसोई में जा घुसा। थाली में रखे लड्डुओं को देखकर वह बहुत खुश हुआ। जरा सी देर में वह सारे लड्डू चट कर गया। सुबह होते ही बच्चों ने लड्डू मांगे। टिंटिन रसोई में गई तो देखा थाली खाली थी, सारे लड्डू गायब थे। टिंटिन को लगा कि बच्चों ने रात में उठकर सारे लड्डू खा लिए हैं। उसने बच्चों को डांट लगाई, रात में सारे लड्डू किसने चट कर लिए, सच सच बताओ। बच्चे रुआंसे होकर बोले, माँ, हमने लड्डू तो देखे भी नहीं, छोटा चिनमिन तो मेरे लड्डू कहकर रोने लगा। टिंटिन ने चोर को पकड़ने का एक उपाय सोचा। उसने फिर लड्डू बनाए, मगर इस बार उनमें सूजी के साथ रेत और शक्कर के साथ चूना भी मिला दिया। सोते समय वह जोर से बोली, बच्चों, रसोई में लड्डू रखे हैं, हम उन्हें कल खाएंगे। कालू चिंटा आज भी लड्डू की खुशबू से ललचाकर बाहर ताक में बैठा था। टिंटिन की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। रात गहराते ही वह रसोई में जा, मगर यह क्या, जो भी उसने एक लड्डू मुंह में डाला, उसका सारा मुंह रेत से भर गया। लड्डू में मिले चूने से उसके मुंह में छाले हो गए। थू थू थू, हाय राम, मर गया। जलन के मारे वह चिल्लाया। टिंटिन और उसके बच्चे ताली
बजा बजा कर हंसने लगे। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। टिंटिन बोली, क्यों चीटे भाई, कैसे लगे लड्डू। चिंटा हाय हाय कहता हुआ वहां से खिसक गया।